इधर रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में कई उद्योगपति शामिल हुए, साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सफल आयोजन रहा, कई बड़े उद्योगपति निवेश करने जा रहे हैं। सीएम से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने। मध्य प्रदेश में लगातार रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं और सफलता पर सफलता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक रीजनल कॉन्क्लेव में कुछ निर्णय होता है और वो दूसरे में दिख जाता है। ये किस तरह के कार्यक्रम तैयार किए? देखिए, ये पारदर्शी प्रकार से और दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ सकारात्मक माहौल में सभी लोगों को साथ में चलने के परिणाम है कि हमने सबने तय किया, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज हो, चाहे नेता हो, कि हमको काम करना है। और जब काम करना है तो ठोस काम करने के लिए इसी प्रकार का भाव रखना पड़ता है। सतत मॉनिटरिंग भी करना पड़ती है, कठिनाइयों में खड़े भी रहना पड़ता है और एक दूसरे को पूछताछ करते हुए प्रोत्साहन देना पड़ता है और उसके परिणाम आते हैं। बिंद में आज कैसा देख रहे हैं आप, क्या जिस उम्मीदों के साथ आए थे वो? निश्चित रूप से उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा सफल हुआ। बिंद का हमारा अपना जो रिकॉर्ड है, अभी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मालूम पड़ेगा, बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल है। लेकिन आप उड़ान भर रहे हैं, 999 में लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये उड़ान का असर भी यहाँ दिखाई देगा? सभी का, सभी का है। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि कई तरह की उपलब्धियां यहाँ मिली है और लगातार इन उपलब्धियों के जरिए आगे बढ़ने की तैयारियां हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जिस तरह का प्लान तैयार किया है उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रीवा।